नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के नंबर वन यूट्यूब चैनल डीजी हिमाचल में। सरकार का पांच मसलों पर अफसरशाही को टास्क। पहला, जेएओ के लटके मामलों को सुलझाएं। दूसरा, क्लास थ्री इंटरव्यू की जल्द करें नोटिफिकेशन। तीन, जेबीटी रिजल्ट के लिए किया जाए प्रयास। चौथा, शास्त्री बदनाम की तुरंत जारी हो अधिसूचना। और पांचवा, एनटीटी भर्ती की ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई जाए। हिमाचल प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया के लिए बाधा बने अहम मसलों पर राज्य सरकार ने अफसरशाही को पांच बड़े टास्क दिए हैं। इसके लिए मुख्य सचिव रामसुभग सिंह ने वीरवार को प्रशासनिक सचिवों को तलब कर इन सभी मसलों के समाधान के लिए दो सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। इसके तहत सबसे बड़ा मुद्दा जेओए के सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले का है। मुख्य सचिव ने कार्मिक विभाग के एसीएस को जारी आदेशों में कहा है कि इस केस को गंभीरता से लेकर निपटारे के विकल्प तलाशें। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस मामले को लेकर राज्य सरकार ने शपथ पत्र दायर करना है। इसके चलते कार्मिक विभाग को अपना स्टैंड स्पष्ट करने को कहा गया है, ताकि इस केस से प्रभावित युवाओं को जल्द से जल्द न्याय मिले। क्लास थ्री भर्ती के 15 अंकों के इंटरव्यू को समाप्त करने के मामले पर भी सरकार ने कार्मिक विभाग से जवाब तलब किया है। इस आधार पर अब इसकी फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई है। इस मामले को लेकर लीगल एडवाइस बिल्कुल विपरीत आया था, जिसमें ये कहा गया था कि आरएनपी रूल्स संशोधित होने के बाद ही इसकी नोटिफिकेशन संभव है। अब माना जा रहा है कि लीगल एडवाइस के विरुद्ध जाकर सरकार इसकी 23 अप्रैल के बाद नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। चूंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 2 दिन के कांगड़ा प्रवास पर हैं, लिहाजा उनकी वापसी पर इस पर फैसला हो जाएगा। जेबीटी के लवके रिजल्ट पर भी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को विकल्प तलाशने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लिए लीगल एडवाइस लेने को भी कहा गया है। इसी तरह शास्त्री एवं भाषा टीजीटी पदनाम को लेकर जल्द नोटिफिकेशन जारी करने को कहा गया है। एनटीटी मामले में प्रधान सचिव को कड़े निर्देश जारी। शिक्षा विभाग से जुड़े एनटीटी मामले में सरकार ने प्रधान सचिव को बड़े कड़े निर्देश जारी करते हुए इसकी ड्राफ्ट पॉलिसी बनाने को कहा है। एनटीटी डिप्लोमा के मान्यता प्राप्त संस्थानों से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से लंबित सूचना के कारण ये भर्ती प्रदेश में लटकी है। फिलहाल प्री प्राइमरी स्कूलों में जेबीटी अध्यापक सेवाएँ दे रहे हैं। एनटीटी की पॉलिसी के बाद प्रदेश में आंगनबाड़ी तथा एनटीटी अध्यापकों के लिए अच्छी खबर आने की संभावना है। उम्मीद है कि 2 सप्ताह के भीतर इन सभी मामलों पर समाधान हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार से जुड़ी ऐसी अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।